Hello friends, welcome to my new blog. Today I am showing how to make kadhi. क्योंकि हमारे बहुत सारे नॉर्थ इंडियन फ्रेंड्स जो हैं उनको कड़ी बनाते आती है वो नॉर्थ इंडियन स्टाइल में, मगर साउथ इंडियन कड़ी बहुत ही कम नॉर्थ इंडियन लोगों को बनाने आती है. तो आज मैं वो बना रही थी तो सोची आपको भी दिखा दूँ. तो चलो देखो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है. इसके लिए हमको चाहिए है ये दही है, ये मैंने फेंट के रखा हुआ है और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला के रखी हुई है. ये है थोड़ी सी प्याज कटी हुई बारीक, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा करी लीफ और थोड़ा सा जिंजर कटा हुआ रखा हुआ है. और बघार के लिए हमको राई चाहिए है और ये थोड़ा सा मैंने जीरा पीस के रखा हुआ है, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा लगता है. ये हींग है और ये मेथी दाना पीस के रखा हुआ है और ये थोड़ी सी लाल मिर्च है. तो चलो हम बनाते हैं कड़ी. पहले हम गैस को ऑन कर लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी है, इसको हम सुखा लेंगे. ये पानी पूरी तरह से सूख जाए तो हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे. बिल्कुल 2 स्पून तेल ही काफी है. तो हम गर्म होने तक इंतजार करेंगे तेल का. थोड़ी सी राई डाल के देखेंगे गर्म हुआ है नहीं. तेल गरम नहीं हुआ, आई थिंक तेल गरम हो गया है. तो हम थोड़ी सी राई डाल देंगे. राई फूट जाए तो हम इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज डाल के हम इसे चला लेंगे. फिर इसमें थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी लहसुन और करी मिर्च भी डाल देंगे. मीडियम आंच पे चलाएंगे. मैं थोड़ा सा नमक डाल देंगे. प्याज लाल होने तक इंतजार करेंगे.
करते हैं कि इसका सारा कच्चापन चला ना जाए। देखिए दोस्तों, एक प्याज लाल हो गई है। अब हम गैस को लो करके इसमें जो थोड़े बहुत मसाले हैं वो डाल देंगे। उसके लिए हम पहले थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे। हल्दी हम नहीं डालेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी डाल चुके हैं हल्दी इस दही में। सो थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा हींग का पाउडर डालेंगे एक चुटकी, और एक चुटकी मेथी पिसा हुआ डालेंगे, और बिल्कुल एक चुटकी जीरा पिसा हुआ डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब गैस को धीमी आंच में करके हम ये हल्दी मिला हुआ दही है इसको डाल देंगे। और एकदम धीमी आंच में रख के हम इसको चलाते रहेंगे जब तक ये अच्छी थोड़ा गर्म ना हो जाए। जब इसमें थोड़ी सी भाप जैसे आने लगी तो हम इसको एकदम ऑफ कर देंगे। बहुत देर तक हमको इसको उबालना नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा गर्म होगा और हम इसको ऑफ कर देंगे। अब हमको नमक देखना है जो हमने शुरू में प्याज में डाली थी, उसके अलावा अगर ज़रूरी है तो हम थोड़ी सा और नमक डाल देंगे। दोस्तों अब ये गर्म हो गया है, अब इसको हम हटा देंगे यहाँ से। ये देखिए हमारी कढ़ी तैयार है। सो देखा दोस्तों, ये कितना आसान है, बस 2 मिनट में हम इस कढ़ी बना सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है चावल के साथ। हम लोग यहाँ इसे डेली बनाते हैं क्योंकि हमको चावल के साथ ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। सो दोस्तों, ये था साउथ इंडियन कढ़ी बनाने का तरीका। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो आप देख सकें मेरे चैनल में। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।